गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव प्लान चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेटिव प्लान चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले और आपको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो बैच यानी कि आईडी बैच क्या होता है, क्यों उसका अलग अलग कलर कोड होता है, क्या उसका काम होता है, क्यों पहनना जरूरी है कंपनी में, और अलग अलग वेंडर विजिटर एम्प्लॉय को अलग अलग क्यों होता है। तो देखते हैं फोटो बैच क्या होता है। जब भी आप किसी कंपनी में जाओ या तो किसी मॉल में जाओ या किधर भी काम कर रहे हो तो आपको आपका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो बैच दिया जाता है, आईडी बैच दिया जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी पहचान बनाता है और उसी फोटो बैच या तो आईडी बैच को देखकर ही आपको सिक्योरिटी अंदर जाने की अनुमति देती है। और अलग अलग कंपनी मॉल हो, होटल हो, किधर भी जाओ, आप एयरपोर्ट जाओ, किधर भी जाओ, आपको एक आइडेंटिफिकेशन आईडी दिया जाता है। आप कॉलेज में जाते हो तो भी आपको आइडेंटिफिकेशन आईडी होता है। तो आप जैसे ही पैदा होते हो, ये दुनिया में आते हो, तो भी से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आपका फोटो बैच आईडी बैच बना होता है। तो वो फोटो बैच आईडी बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आईटी कंपनी में। जब भी आप एज ए वर्कर हो, विजिटर हो, तो उसका आपकी पहचान उससे होती है। तो क्यों ये पहनना जरूरी है कंपनी में, व्हाई डू वी वेयर बैजेस इनसाइड द प्रीमाइसेस और बिल्डिंग, ये कंपनी में ये फोटो बैजेस क्यों पहनना जरूरी है। तो आइडेंटिफाई, एक जो भी आप कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सब स्टाफ वेंडर्स होते हैं, तो ये सब होते हैं कंपनी में। तो उसकी एक आइडेंटिफाई हो कि कंपनी का काम करने के लिए आए हैं, कंपनी में कंपनी कुछ ऑफिशियल विजिट के लिए आए हैं, ये आपको पहचान बनी रहे, सिक्योरिटी को इजीली आइडेंटिफाई करना पड़े। इसके लिए आपको जब भी कंपनी प्रीमाइसेस में हो या बिल्डिंग में हो तो आपको आईडी बैच पहनना वेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, हु हैज अ राइट टू बी इन द बिल्डिंग, यानी कि उसको सिक्योरिटी पहचान जाती है कि ये अपनी कंपनी के बारे में ऑफिशियल वर्क के लिए आया है या तो कुछ ऑफिशियल मीटिंग के लिए आया है या तो काम करने के लिए आया है, तो ये पर्सन हमारी कंपनी के इनसाइड बिल्डिंग में राइट है, उसे पहचान होती है, तो उसको आपको वो अलाउ कर सकता है। उसके बाद में बहुत सारे एम्प्लॉय, वेंडर, कॉन्ट्रेक्टर पर्सन, टेम्पररी वर्कर्स एंड विजिटर्स फिनिश बैचेस टू आइडेंटिफाई, यानी कि बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टर वेंडर होते हैं, टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग तरह के आईडी बैचेस दिए जाते हैं। उसके बाद में बैचेस प्रोग्राम्ड यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड अलाइज विद द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जो भी आपको फोटो बैच दिया जाता है तो उसके ऊपर आपका फोटो होता है, जो भी एक्सेस बैच होता है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या होता है, अलाइज प्रोग्राम्ड किया जाता है उसके डेटाबेस के साथ, और उससे आपको क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म में आपका डेटा फिलअप होता है। उसके बाद ही जब आप बैच का डेटाबेस स्वैप करते हो तो मैच करके आपको अगर ऑथराइज पर्सन है तो डोर ओपन हो जाता है, एंट्री आपको मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाई देयर आर डिफरेंट बैचेस क्यों होते हैं, तो अलग अलग बैचेस क्यों होते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, डिफरेंट कलर के कोड और डिफरेंट कलर कोड के बैचेस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय कंपनी की पॉलिसी अलग होती है, विजिटर्स को रेड कलर और दूसरे वेंडर्स को अलग कलर, कॉन्ट्रेक्टर को अलग कलर, एम्प्लॉयज को अलग कलर कोड, जो भी उसका शेडिंग अलग होता है, अगर ज्यादा सीनियर है तो उसको अलग कलर का कोड, ऐसे बैचेस दिए जाते हैं ताकि आपको पहचान में आए कि वर्कर कितना पुराना है, वो कितना सीनियर है। अगर रेड बैच है तो विजिटर है, ऑफिशियल वन डे के लिए आया है, टेम्पररी कार्ड है तो वन डे के लिए वो वर्क करने के लिए आया है, कुछ दिनों के लिए कंपनी में काम कर रहा है, और जो परमानेंट बैचेस होते हैं उसके अलग 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 आईडी कलर कोड होते हैं। तो सिक्योरिटी को उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कलर के, डिफरेंट कोड के बैचेस होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के और अलग अलग कोड में बैचेस बनाए जाते हैं ताकि उसकी सीनियरिटी पहचान जाए, वेंडर है, विजिटर है, कॉन्ट्रेक्टर है, ये सब पहचान जाए, इसलिए ये डिफरेंट कलर के बैचेस होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट डज द बैच डू, बैच क्या करता है। तो बैच क्या करता है, बैचेस आर द इम्पोर्टेंट टूल्स, दे दिस हेल्प और कीप यू अवर साइट्स और अवर बिजनेस सेफ एंड सिक्योर। ये बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प करता है सिक्योरिटी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्प करने वाला टूल्स है, जो भी सिक्योरिटी कंपनी की सिक्योरिटी और सेफ एंड सिक्योर रखने का काम करता है। जो कि अगर आईडी बैच अगर गले में हो तो सिक्योरिटी पहचान जाता है कि ये कंपनी का बंदा है और कंपनी को सिक्योर रख सकता है, उससे कंपनी को कुछ धोखा नहीं है, तो उससे बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है।
ताकि जो भी सिक्योरिटी का और सेफ्टी के बारे में प्रिवेंशन करने का काम ये बैजेस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या करता है, हेल्प कंट्रोल एक्सेस टू कंपनी कंट्रोल्ड एरिया एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वो हेल्प कर सकता है बैचेस जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो भी एक्सेस कंट्रोल है, जिनको एक्सेस ऑथोराइज है उसी बैच का यूज करके उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकते हैं। तो जो भी अनऑथोराइज पर्सन है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रायोरिटी रूम है, क्रिटिकल रूम है, अदरवाइज वेज में वो नहीं जा सकते, उनको जितना ही एक्सेस कंट्रोल दिया है उसी के अंदर वो जा सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश ये बैच कर सकता है। हेल्प डिटर एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस, वो क्या करता है, पहचान लेता है, डिटेक्ट कर सकता है जो भी अनऑथोराइज और प्रिवेंट, उनसे रक्षा कर सकता है। उससे अनऑथोराइज पर्सन अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे उसका एक्सेस नहीं वहां पे गया तो अलार्म बजता है और वो सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है, तो वहां पे वो नहीं जा सकता है। तो वो हेल्प करता है कैसे डिटेक्ट पहचानने की उसको अनऑथोराइज पर्सन कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री कर रहा है, तो ये उसे हेल्प होती है। उसके बाद भी कैन बी यूज एज इंडिविजुअल आइडेंटिफायर्स, यानी कि उसका हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पहचान सके उसके आईडी से कि ये बंदा अपनी कंपनी का है और ये काम करने के लिए आया है। तो ये फोटो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईडी बैच फोटो बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो कंपनी की सिक्योरिटी और अनऑथोराइज पर्सन से प्रिवेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी करने के लिए बहुत ही काम आता है। तो कंपनी में आप कभी भी जाओगे तो आपको एक नया फोटो बैच दिया जाता है, और कंपनी का जो भी आपको एंटर प्रीमाइसेस में ऑथोराइज करने के लिए फोटो बैच आपकी पहचान आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में फेस कर रहे हो तो आपको अगर किसी ने पूछा कि फोटो बैच क्या होता है, उसको अलग अलग कलर कोड में क्यों डिफरेंट होता है, उस फोटो बैच क्यों पहनना जरूरी है, और फोटो बैच की पहनने से कंपनी को क्या फायदे होते हैं, तो आप कभी भी कंपनी किसी भी इंटरव्यू में फेस करोगे तो यदि क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि फोटो बैच क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कंपनी के अंदर क्यों पहनना जरूरी है, अलग अलग कलर कोड क्यों यूज किए जाते हैं, और बैच पहनने से कंपनी के लिए कौन से फायदे होते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।